हेलो, लंका नरेश रावण बोल रहे हो? हाँ, मैं लंकापति रावण बोल रहा हूँ। भारतवर्ष की भूमि से कौन दुष्ट मुझे फोन कर रहा का बोला रहे रावण? तुम हमको नहीं पहचानता है? तुम लंका नरेश है तो हम ऑलरेडी बिहार नरेश है। हम लालू यादव बोल रहे हैं। है? ओ लालू जी, क्षमा प्रार्थी हूँ लालू जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और बोलिए लालू जी, आपने मुझे कैसे कैसे याद किया? अच्छा रावण, ये बताओ ये क्या मैटर है? ये तुम सीता जी को किडनैप कर लिया और छोड़ नहीं रहे हो, और लड़ाई झगड़ा का सिचुएशन बन रहा देखिए लालू जी, मैंने सीता जी का जरूर किडनैपिंग किया है, मगर यह मैटर यूपी और श्रीलंका के बीच का है, इसमें बिहार क्यों पड़ रहा है? है। क्या बोला? इस श्रीलंका और यूपी के बीच का मामला है? तुम ये नहीं जानता है कि श्रीलंका और यूपी के बीच का सिर्फ मामला नहीं है, ये बिहार का भी मामला है। वो कैसे? तुमको पता नहीं है कि यूपी जो है वो सीता जी का ससुराल है, और सीता जी का जो मायका है वो बिहार है। सीता जी इज द डॉटर ऑफ बिहार। अब चूंकि सीता इज डॉटर ऑफ बिहार, तो बिहार भी इस मैटर में दखल देगा। हे यादव नरेश, ये सीता जी आपकी कौन लगती? सीता जी हमारी कौन लगती है? अरे सीता जी हमारी फुआ लगती है, और तुम उनको किडनैप कर लिया है। ए तुम रावण, तुम बेकार का लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहे हो। श्री राम जी अपनी सेना के साथ श्रीलंका के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, तमिलनाडु पार कर गए हैं, और लड़ाई झगड़ा कभी भी हो जाएगा। लालू जी, मैं युद्ध से नहीं डरता। आ तुमको पता नहीं है कि राम जी के साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी तो थे ही, आजकल जोगी जी, मोदी जी और अमित शाह भी है। तुम अमित शाह को नहीं जानता है? ये मॉडर्न हनुमान है। ये अगर श्रीलंका पहुंच गया तो तुम्हारा राजपाट अकेले सब चौपट करवा देगा। परंतु क्या परंतु? देखो रावण, तुम ज्यादा अपना सेना और सैनिक पर मत फैलो। ये जो तुम्हारा जितना सैनिक है उसको हम पहचान रहे हैं। ये जो तुम्हारा सैनिक है रणतुंगा डी सिल्वा जसुरवा, इससे कुछ नहीं होगा। अरे जो तुम्हारे साथ जो कुंभकर्ण और मेघनाद है, इसके लिए तो हमारा साधु सुभाष और तेज प्रताप ही काफी है। परंतु लालू जी, क्या परंतु? देखो रावण, सीता जी के किडनैपिंग के मामले में पूरा संसद एक साथ है। लालू जी, अगर भारतवर्ष के समस्त सांसद हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हमें कहीं चीन की ना मदद लेनी पड़े। तुम चीन का हमको कहानी मत सुना, क्योंकि चीन का प्रधानमंत्री जब सुनेगा कि मैटर बिहार का है तो वो और तुम ही को परेशान कर देगा। क्या? देखो, चीन का सारा आदमी तो महात्मा बुद्ध जी का फॉलोवर है,
अब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था यूपी में, तो अगर यूपी को लेकर चीन चलेगा तो सीता जी उनके चाची हो गए। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था बिहार में, तो अगर चाइनीज लोग बिहार लेके चलेगा तो सीता जी चाइनीज लोग की फुआ हो गए। तो दोनों केस में चाइनीज लोग तुम ही को मारेगा। लालू जी, श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी है, उसका क्या? उसकी नाक कैसे ठीक होगी? शूर्पणखा जी के साथ जो हुआ है, उनके नाक कटी है, गलत है। तो हम तो अपना हार्ट का बाईपास सर्जरी बम्बई में कराए हैं, तो वही हम लोग पूरा संसद पक्ष विपक्ष जनसंघी लोग के साथ हम लोग मिलकर चंदा करके तुम्हारी बहन शूर्पणखा के नाक का प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। परंतु लालू जी, अब क्या परंतु? शूर्पणखा का थोबड़ा अब तो पहले जैसा नहीं रहेगा। देखो रावण, वो जो अपने रामदेव बाबा है ना, तो उनका नकली संजीवनी बूटी का शूर्पणखा जी अगर रोजाना प्रयोग करेंगे तो उनके चेहरे पर चमक आ जाएगी। यह नकली संजीवनी बूटी क्या है लालू जी? क्या नकली संजीवनी बूटी नहीं जानते हो रावण? अरे रावण, आजकल पूरा देश रामदेव बाबा का एक चम्मच एलोवेरा और एक चम्मच आंवला का रस को संजीवनी बूटी मानकर रोज पी रहा है। परंतु लालू जी, अब क्या परंतु? लालू जी, भले ही शूर्पणखा के नाक की प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, परंतु उससे शादी कौन करेगा? तुम शूर्पणखा के शादी का फालतू टेंशन ले रहा है रावण। अरे मुंबई में पहले शूर्पणखा जी का प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे, उसके बाद वो तो लगे लगे मैं जनसंघी लोग का हेडक्वार्टर है, तो वहीं शूर्पणखा जी को ले जाएंगे और मोहन भागवत के साथ शूर्पणखा का शादी करवा देंगे। लालू जी, आपने मेरी समस्त चिंताओं को दूर कर दिया है। सीता जी के किडनैपिंग के मैटर को अब मैं बातचीत के माध्यम से खत्म करना चाहता हूँ। आप जब बोले मैं भारतवर्ष आने को तैयार हूँ। नहीं नहीं रावण, बातचीत के लिए तुम इंडिया मत आओ। अरे तुम इंडिया इसलिए मत आओ कि तुम जैसे इंडिया आओगे तुम पर किडनैपिंग का केस हो जाएगा। आई जो मोदी जी है, ये जब हमरे पीछे सीबीआई लगा दिए तो तुम्हारे पीछे भी सीबीआई लगा देंगे। लालू जी, आप महान हैं। इतने बड़े युद्ध को आपने टाल दिया और इतनी गंभीर समस्या को चुटकी में निपटा डाला। अरे चुटकी से याद आया, बिहार में तो जान ही रहे हो, एक चुटकी खैनी के बिना सुबह का झाड़ा ही नहीं उतरता है। चेकिंग।